हेलो, हाउ आर यू ऑल दोस्तों। खिलाड़ी वही है जो वापसी करे एकदम, वो भी धमाकेदार। ठीक है, तो मैं गौतम गुप्ता अगेन कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए और कुछ मेरे दोस्तों के लिए एक छोटा सा आज वीडियो बना रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो कुछ भी चीज को अगर लगाना है ना तो दिल से लगाओ। तो मैं दिल से जो है ना आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ, तो उसमें से ये एक कॉन्सेप्ट है। और इसमें एक फोर्स ट्रांसफर मैकेनिज्म जो कि एक चाइल्ड पेरेंट रिलेशन, इससे किस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो ये आप देखोगे और समझोगे। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, लेट्स हिट बैक। फोटो दिखाई दे रही है, ये क्या कर रहा है ये? भाई बच्चे को गिरा मत देना बस तुम। इसको बस मैं इतना ही बोलूंगा, ये इसकी हालत देख के और इसके मुंह को देख के तो ये लग रहा है कि भाई क्या हो गया। तो भाई ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, इसको जस्ट थोड़ा सा एनालाइज करो। एक फादर ने एक बच्चे को सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है? तो अगर इसी पर्टिकुलर चीज को अगर मैं रिप्रेजेंट करना जाऊं स्ट्रक्चर एनालिसिस से, तो कैसे रिलेट करूंगा? तो देखिए, सपोज ये एक छोटा सा, मैं क्या कर रहा हूं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम बना रहा हूं, ठीक है? और इसी से जोड़ के यहां पे मैंने एक हिंज लगा दिया और एक और बीम नेटवर्क बना दिया। तो ये जो फिगर है ना, ये इससे रिलेट हो रहा है। अब कैसे रिलेट हो रहा है, ध्यान से समझो। यहां से लेके यहां तक ये जो पार्ट है, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, इसको बोल रहा हूं फादर। और यहां से लेके यहां का जो पार्ट है, इसको क्या बोल रहा हूं, चाइल्ड। तो इसमें बस आपको यह समझना है कि फादर कौन है, चाइल्ड कौन है, तो कौन किसको सपोर्ट करेगा, कौन किसको लोड ट्रांसफर करेगा। तो इसका मतलब यह है कि सपोज अगर मैंने, ठीक है ध्यान से समझना, कोई भी लोड अगर चाइल्ड पे लगाया तो चाइल्ड अपना लोड किस पे ट्रांसफर कर रहा है, फादर के ऊपर, ठीक है? तो चाइल्ड अपना लोड किस पे ट्रांसफर किया, फादर। लेकिन अगर कोई भी लोड आपका फादर पे लगेगा तो वो चाइल्ड पे ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है? तो चाइल्ड पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो ठीक है, इसका डिटेल जो चीज है वो अगले अगले वीडियोस में देखेंगे, लेकिन मैं अभी जो आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये आईएलडी में भी कई बार यूज होता है, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम बनाने में बहुत हेल्प करता है, और जो इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स करते हैं उनमें तो सबसे ज्यादा। तो अगर आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या बड़े कोई डिजाइनर्स बनेंगे, ठीक है, या वैलिडेशन करेंगे इंजीनियरिंग सर्विसेज में, तो ये सारी चीजें जो है तब आपको याद आ सकती हैं। नाउ ठीक है, तो ये एक छोटा सा चीज था। अब इसी की तरीके से अगर ये फोटो को देखो, है ना, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। तो इसमें क्या है, यहां पे एक पेरेंट है, यहां पे बच्चा है, और यहां पे एक पेरेंट है ना, ऐसे करके उठाया हुआ है एकदम। तो अगर इस पर्टिकुलर चीज को हम स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैसे बना सकते हो? तो इसको अगर आपको बनाना है तो देखो, ये यहां पे मैंने एक पेरेंट बना दिया, समझो, बस व्यू करो, इमेजिन करो और कुछ नहीं करना, ठीक है? ये एक पेरेंट बना दिया, यहां पे एक मेंबर लगा के ये बच्चा बना दिया, ठीक है? और फिर वापस एक और पेरेंट बना दिया, इस टाइप को मान लो। तो यहां पे अगर आप देखें तो सिंपल सा चीज है कि ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, ये क्या है, पेरेंट में सपोज फादर, यहां से यहां वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया आपका चाइल्ड, और यहां से यहां वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया मदर। तो अगर आप इस सिस्टम को समझो, ठीक है, ठीक है, कि
कि इसमें फोर्स कैसे ट्रांसफर होगा, तो उसको जस्ट मैं यहां पे फादर, चाइल्ड और मदर के रिस्पेक्ट में बताता हूं। अगर चाइल्ड पे कोई लोड आएगा, सपोज कोई भी, चाहे यूडीएल हो चाहे कैसा भी, वो क्या करेगा, इस पे मदर पे भी ट्रांसफर करेगा और फादर पे भी ये क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। लेकिन अगर फादर पे कोई लोड आया, ध्यान से समझिए, फादर का लोड चाइल्ड पे नहीं जाएगा, और अगर इसका लोड चाइल्ड पे नहीं गया तो यहां से आगे भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, क्योंकि जब यहां ही ट्रांसफर नहीं हुआ तो आगे कैसे करेगा। सिमिलरली अगर यहां पे कोई लोड है, ठीक है, ध्यान से समझना, तो मदर का लोड चाइल्ड पे नहीं गया और फिर यहां से फादर पे भी नहीं गया, क्योंकि कोई लोड ही नहीं था। तो ये जो सिस्टम होते हैं, ये सिस्टम आपको कई बार हेल्प करते हैं कि छोटे छोटे एनालिसिस को किस तरीके से परफॉर्म करना है ना, उनके लिए। तो ये एनालिसिस प्रॉब्लम्स जो हैं, ये आपको डेली लाइफ में भी हेल्प करते हैं, एंड एज अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर और इंजीनियर दीज ऑल्सो हेल्प यू। तो कई बार इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो रुक जाना नहीं, ठीक है, और हाथ भी छोड़ना नहीं है। ओके, नाउ सिमिलरली अब ये फिगर देखो, एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टेबिलिटी है भाई, अभी भी बाऊजी ने उठा के रखा हुआ है दोनों का वेट, ठीक है। तो यहां पे क्या है, बाऊजी, ठीक है, यहां पे क्या है, उनके सुपुत्र, और ये सबसे छोटे सुपुत्र युवराज, ठीक है। तो इसको अगर मैं स्ट्रक्चरली यहां पे दिखाना चाहूं तो किस तरीके का होगा, थोड़ा सा इमेजिन करो। तो ये जो हो जाता है, अब मैं इसको ऐसे दिखा देता हूं, चलो एक फिक्स बीम लेके दिखा देता हूं। तो जैसे ये हो गए हमारे बाऊजी, एकदम स्टेबल, सबसे स्टेबल, बाऊजी ने अब उठा लिया, ठीक है, इनको, इनके सुपुत्र को, फिर सुपुत्र ने किसको उठा लिया, अपने युवराज को, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो ये थे हमारे बाऊजी, जिनको हम ग्रैंडफादर चलो बोल देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। फिर यहां से यहां तक थे फादर, और यहां से यहां है चाइल्ड। तो अब ध्यान से समझो इसको, फोर्स कैसे ट्रांसफर होगा, किसका लोड कौन ले सकता है, कहां पे नहीं जाएगा। तो इसमें एक है जीएफ, ग्रैंडफादर है भाई, ये गर्लफ्रेंड मत समझ लेना, ठीक है। एक है फादर और एक है चाइल्ड। तो चाइल्ड पे अगर कोई भी लोड आएगा तो अपनी प्रॉब्लम किस पे जाएगा, वो प्रॉब्लम अपना फादर के ऊपर ट्रांसफर किया, ठीक है, और फादर पे कोई प्रॉब्लम आई तो वो किस पे ट्रांसफर करेगा, ग्रैंडफादर पे। ध्यान से समझो ये कैसा ट्रांसफर मैकेनिज्म। बट अगर फादर पे कोई प्रॉब्लम आती है लोड, तो वो चाइल्ड पे ट्रांसफर नहीं करेगा, वो हमेशा किसको बताएगा अपनी बातें, अपनी बातें बताएगा वो उनके पिताजी, मतलब ग्रैंडफादर को। लेकिन अब ग्रैंडफादर पे एक लोड आ गया भैया, मुसीबत का पहाड़ टूट गया, तब क्या होगा, ना ये फादर पे ट्रांसफर करेंगे ना ये चाइल्ड पे ट्रांसफर करेंगे। तो ये जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना, मेरे को इस तरीके की फोटो वोटो से ना इमेजिन करना, ये सब करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं सोचा आपसे शेयर करूं। और नेक्स्ट वीडियोस जो रहेंगे ना, उसमें डेफिनेटली मैं लोड के हिसाब से बताऊंगा कि लोड कैसे ट्रांसफर हो रहा है और इसको हम किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब। तो ओके, तो आई विल जस्ट टेल यू नाउ अ बिग थैंक एंड यू, फाइन, क्लियर। सो एट द रेट जी वाइकिंग, दिस इज माई इनिशियल, ओके, चाओ।